हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि जो है आप छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो स्टूडेंट यहां पे जो फॉर्म भरे हैं उसका जो है एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र यहां पे जारी कर दिया है, जिसमें आपका फिजिकल के लिए ठीक है और डॉक्यूमेंट वगैरह नाप तौल वगैरह फिजिकल ठीक है नाप जोक वगैरह ये सभी प्रोसेस इससे होगा ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे निर्देश को लेकर ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निर्देश पढ़े नहीं रहते यहाँ पे, मतलब ऐसे चले जाते हैं ठीक है, जो कि उनको जो है यहाँ पे जो है वापसी भी हो जाता है। और जहाँ वहाँ पे जाइएगा तो बिना निर्देश पढ़े वहाँ पे नहीं जाना है आपको ठीक है जी। तो ये जो खास करके ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जिनको वहाँ पर क्या कर मतलब जो नोटिफिकेशन पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है यहाँ पे जो है इसमें जो उसको बताया उसको हम वहाँ पे लेके आपको जाना है ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक नहीं किया तो चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। आपका जो भी सेंटर वगैरह है हम यहाँ पे पूरा बात करेंगे ठीक है। तो प्रवेश पत्र आज जो है जारी कर कुछ दिन पहले सेशन लिया था जिसमें बताया गया था 4 तारीख को जो है आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा करके ठीक है। तो आज 4 तारीख है और यहाँ पे जो फाइनली आपका जो है जारी कर दिया गया प्रवेश पत्र देख सकते हैं। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक मांग परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये प्रवेश पत्र यहाँ पे जो बार कोड है वगैरह यहाँ पे जो है आपको शो हो रहा है ठीक है, जिससे छेड़खानी आपको नहीं करनी है ठीक है जी। आगे देखेंगे ऐसा आप जो है आपको देखने को मिलेगा सभी जो है डेटा आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे सभी जो कौन कौन से पोस्ट के अप्लाई किए ये सभी जो है आप चेक कर लीजिएगा ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे देखेंगे सेंटर नेम ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सेंटर नेम और आपका एड्रेस भी दिया गया ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इनका दिया गया है पुलिस लाइन उर्दना रायगढ़ ठीक है, इनका जो सेंटर और आपका जो एड्रेस दिया है पुलिस लाइन उर्दना रायगढ़ में इनका दिया गया है, रायगढ़ ये पिन कोड आपका दिया गया है ठीक है। वहाँ का पिन कोड है यहाँ जहाँ पिन का जो है नाम जो है ये जो होना है सारे प्रोसेस ये जो परीक्षण केंद्र एड्रेस वगैरह यहाँ पर सेंटर नेम दिया है ऐसे ठीक आपके जो है एडमिट कार्ड में दिया होगा ठीक है। सेम टू सेम वहाँ पर आपको जाना है, ये सभी जो एड्रेस वगैरह याद रखिएगा ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ टेस्ट ठीक है, टेस्ट जो है आप इनका जैसे देख सकते हैं 16/12/2024 मतलब ये आपका नवंबर का महीना है 4 तारीख है, तो मतलब इनका अगले महीना ठीक है कई चरणों में हो रहा है तो इसको याद रखिएगा। बहुत जने का जो इसी महीने हो जाएगा, बहुत जने का अगले महीने में हो जाएगा ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा डेट उस तारीख को आपको जाना है। वहाँ पे टाइम भी दिया गया देख सकते हैं कि जो है 6 बजे मतलब सुबह मॉर्निंग एम दिया गया है तो सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको 6 बजे पहुँचने, आप आधा एक घंटे वहाँ पे पहले आपको जाना है, 1 घंटे पहले मान के चलिए ठीक है। तो इनका 16/12/2024 को दिया गया है ठीक है, अगले महीना दिसंबर में तो उनके ये उसी दिन जाना है इनको और 6 बजे आपको इनका टाइम दिया मतलब 1 घंटे आपको पहले वहाँ पे जाना है, उपस्थित वहाँ पे हो जाना है ठीक है, मतलब 5 ही बजे वहाँ पे उपस्थित आपको हो जाना है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो निर्देश है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ठीक है। प्रवेश पत्र के अभाव में दस्तावेज चेकिंग PST PET परीक्षा स्थल में प्रवेश की जो है अनुमति नहीं होगी ठीक है। प्रवेश पत्र आपके पास नहीं होगी तो आपको गेट के अंदर नहीं दिया जाएगा, वहीं से आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो है प्रवेश पत्र जो है 1 की जगह 2 लेके जाइएगा ठीक है। क्या पता है अगर इमरजेंसी में आप 2 लेके जाइए ठीक है, 5 से 10 रुपये नहीं चाहिए, तो आपको जो प्रवेश पत्र 2 कॉपी लेके वहाँ पे जाना है ठीक है। अगर नहीं रहता है परीक्षा स्थल के तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, अनुमति आपको गेट के अंदर नहीं आने देंगे ठीक है। प्रवेश पत्र के साथ साथ फोटो पहचान पत्र मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, छाया प्रति स्वीकार्य नहीं होगा, किसी भी फोटो कॉपी वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रवेश पत्र के साथ आपका जो है 2 फोटो होना चाहिए ठीक है, फोटो एक भी चल जाएगा लेकिन आपको 2 फोटो लेकर आपको जाना है। जो आप फॉर्म भरें वहाँ पर जो फोटो या तो नहीं है तो उसको भी आप दूसरा लेके जा सकते हैं, अगर है तो उसको भी लेके जाना, जैसे एडमिट कार्ड मतलब है वो फोटो आप लेके जाएंगे। मूल ओरिजिनल आपको जो है आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पे किसी भी फोटो कॉपी वहाँ पे जो अलाउड नहीं होगा ठीक है। तो छाया प्रति कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। थर्ड है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ब्लैक कलर में स्पेशल मेंशन किया गया है देख सकते हैं। दस्तावेजों की जाँच के लिए अभ्यर्थी द्वारा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा, इसमें साफ ब्लैक कलर में देखे हेडिंग करके डाला गया अलग से, इसमें साफ बोला गया है। तो दस्तावेज की जाँच के लिए अभ्यर्थी द्वारा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज का जो है लाना अनिवार्य है ठीक है। तो जो भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहीं आपको लेके जाना, जैसे आपका 10th का 12th का मार्कशीट ठीक है, जाति निवास वगैरह
आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सभी लेकर आपको वहाँ पे जाना है। यार ये अलग से इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ़ोटो का लेके जाना नहीं, ठीक है, ओरिजिनल तो लेके जाना है, फ़ोटो कापी लेके चाहे मत लेके जाइए, लेकिन ओरिजिनल तो वहाँ पर चाहिए चाहिए, ठीक है। चौथा देखेंगे, जन्म तिथि को प्रमाणित किए जाने हैं तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र लाना जो है आवश्यक है, ठीक है। बहुत जन ऐसे होते हैं आधार कार्ड में अलग नाम है, प्रमाण पत्र में जो है, जैसे जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र उसमें नाम अलग अलग होते हैं, तो अभी भी टाइम है, उसको आप सुधरवा लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड को जो है मार्कशीट के हिसाब से रखना है आपको, तो अभी भी टाइम है, आप सुधरवा के रखिए कि वहाँ पर नाम अलग, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होगा, नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ टाइम तो अगर बाकी जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी भी टाइम है आपके पास, सुधरवा लीजिएगा, ठीक। मैं कई बार हर वीडियो में बताया हूँ, अभी भी टाइम है, अभी भी सुधरवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है सेम होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षण केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि समय के बाद उपस्थित हम प्रक्रिया में वंचित कर दीजिए। कहने का मतलब ये यहाँ पे जो है, जो आपका टाइम दिया है, जैसे यहाँ पे 6 बजे का आपको टाइम दिया है, तो जब आप 6 बजे आपको जाना नहीं है, 1 घंटा पहले मतलब 5 बजे वहाँ पे आपको जो है पहुँच जाना है, ठीक है जी। और आपके 6 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे गेट से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें साफ मेंशन किया गया है, साफ बोला गया है, ठीक है जी। तो इस नियम को आपको पालन करना है, 1 घंटे आपको पहले पहुँच जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रवेश पत्र में, ठीक है, जो है बार कोड किसी तरह से निरूपित करने पर बैग परीक्षण के लिए अयोग्य घोषित करें। मतलब बार कोड यहाँ पे दिया गया, अभी मैंने दिखाया है यहाँ पे जो है बार कोड वगैरह है, तो उससे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है जी। बार कोड आपका जो है सही सही होना चाहिए। आगे आगे देखेंगे तो अब प्रवेश पत्र बार कोड किसी तरह से हो गए ना। अभ्यर्थी के यात्रा, बोर्डिंग, आवास, सामान जैसे मोबाइल एवं बाइक के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ठीक है। परीक्षण स्थल पर जो है मोबाइल वगैरह यहाँ पे जो है फोन लाना वर्जित है। परीक्षणों में शामिल होने के लिए TA दावा किसी भी श्रेणी के लिए स्वीकार्य नहीं कर रहे। मतलब ये है परीक्षण वहाँ पे जाएंगे तो आपको मोबाइल अंदर में जो है ले जाना अलाउड नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया है, इसमें यात्रा के दौरान आपको यात्रा भत्ता वगैरह किसी तरह के जो है यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं, आपको जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद स्वयं रहेंगे, ठीक है। किसी भी तरह भत्ता वगैरह आपको जो है नहीं दिया जाएगा, इसमें साफ बोला गया है। आगे देखेंगे पर रूप धारण धोखाधड़ी कानूनी अपराध है। परीक्षा किसी प्रकार का कदाचार करते हैं, पाल दोषी व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ पे उचित कार्रवाई की, ठीक है। किसी के साथ जो है धोखाधड़ी वगैरह होता है, इससे जिम्मेदार आप करते हैं किसी के साथ या खुद के साथ, इसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक। किसी भी ये जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है किसी भी जो है आपका जो है आपके मतलब जो है ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद देखें यहाँ पे जो है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए परीक्षण केंद्र तिथि अथवा समय में परिवर्तन जो है होने की स्थिति में यहाँ पे जो है जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस वेबसाइट यहाँ पे जो है मतलब cpolice.gov.in पर उपलब्ध कराई। यहाँ पे कहने का मतलब ये है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेज दक्षता परीक्षण केंद्र में तिथि या समय परिवर्तन होने की, इससे संबंधित जो अपडेट यहाँ पे जो है ये वेबसाइट में जो है अगर चेंजेस कुछ भी होता है तो इस वेबसाइट में पहले से आपको जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट के माध्यम से तिथि वगैरह जैसे चेंज वगैरह करना होगा या कुछ भी समस्या जैसे आती है तो, ठीक है जी। आगे देखेंगे दस्तावेज पर माप, ये जो है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधित किसी भी दावापत्ति संबंध में छत्तीसगढ़ जो है पुलिस की जो है ओर से चयन समिति का जो है निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, ठीक है जी। कहने का मतलब ये जो है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधित किसी भी दावापत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस की, ठीक है, ओर से चयन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, ठीक है जी। ये जो है जो भी हमारे यहाँ पे जो सेंटर रहेगा उन्हीं के जो है डाटा जो बताया रहेगा वही जो है सर्वमान्य होगा, ठीक है। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो 11वां लाइन है, दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की पात्रता हुई, ठीक है। यहाँ पे जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होता है, ठीक है, और शारीरिक माप परीक्षण अगर आप सही होता है, ठीक है, नाप जो कर आप सही बैठता है उसी अभ्यर्थी को शारीरिक, ठीक है, फिजिकल के लिए अगले राउंड में इनको जो है सम्मिलित होने की यहाँ पे पात्रता दिया जाएगा। फिजिकल के लिए आगे यहाँ पे जो है इनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। पर दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी जो है आप जो है मतलब जो है डिसक्वालीफाई होते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अगले राउंड में आपको नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। शारीरिक माप परीक्षा इसमें साफ बोला गया है 11वां लाइन, ठीक है। तो ये सभी जो है
ये आपका होते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में ये बोला गया कि हमारे जिला पुलिस बल आरक्षक समर चयन परीक्षा 2023-24 में आयोजित दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण बाबत शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैंने इस संबंध में जारी विज्ञापन द्वारा प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया है। अतः परीक्षण के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के हानि, क्षति, शारीरिक चोट के लिए मैं जो है स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको जो है ये पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको साइन कर देना, ठीक है। जो भी जैसे आप साइन करते वहाँ पर आपको साइन करके वहाँ पर आपको जो है लेके जाना है, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है जी। तो इस पे बारे में आप जो है आप कमेंट बॉक्स में अपन जो है राय रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है और जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त सर्कल में इसको जो है शेयर कीजिएगा, इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जो है जो घोषणा जो नोटिफिकेशन जो है बहुत सारे जो है नज़रअंदाज कर देते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर चले जाते हैं, फिर वो जो है, ठीक है, मतलब जो है उनको मतलब ऐसे आना पड़ जाता है, ठीक है, करने मतलब यही है। तो सभी निर्देश को आपको पढ़ के वहाँ पे जाना है ताकि वहाँ से खाली हाथ जो है आपको नहीं आना है, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू।